एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर विनीता गुप्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मेलास्मा। मेलास्मा क्या होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर, और लास्ट में होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप आगे शेयर जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज मेलास्मा, मेलास्मा क्या होते हैं। मेलास्मा, सबसे पहले बात करेंगे, मेलास्मा को हिंदी में हम छाइयां और इसको क्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, और इसको म्यास का प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि ज़्यादातर प्रेगनेंट वुमेन में देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर ये डार्क पैचेस कलर होते हैं हमारे स्किन पे, और ये ज़्यादातर मेल से ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलती है। ये पैचेस जो होती हैं वो डार्क कलर के, ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, ब्राउन कलर और ग्रे कलर के देखने को, जो हमारे यूजुअल स्किन होती हैं उनसे डार्कर देखने को मिलते हैं। और ये हमारे हार्मोनल, जो प्रेग्नेंट वुमेन में होते हैं वो हार्मोनल के इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलते हैं। और ये हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पे भी हमें ये मेलास्मा देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये डार्क पैचेस होते हैं, ये जो नॉर्मल यूजुअल स्किन से डार्कर होते हैं, और ये टिपिकली हमारे दोनों बोथ हॉट चिक्स पे भी देखने को मिलते हैं। और जो हमारे एक्सपोजर पार्ट होते हैं, जो सूर्य की रोशनी के डायरेक्ट पड़ते हैं, उनमें देखने को मिलती हैं। और इसके जो ब्राउन कलर जो हमारे स्किन पे देखने को मिलती, कहाँ कहाँ मिलती है, बोथ साइड ऑफ चीक, ब्रिज ऑफ नोज, फोरहेड एंड समटाइम्स चिन एरियाज पे, और इट अकर्स ऑन नेक एंड शोल्डर्स समटाइम्स। एंड ये कोई फिजिकल हार्म नहीं करती है, बट हमारे जो ब्यूटी को इन्हेंस नहीं करती हैं, जो कि बहुत सारी फीमेल को बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए ये दवा कराते हैं। ये बहुत एक तरह से ये क्रॉनिक कंडीशन होते हैं, तो अगर आप दवा लेते हैं तो इसको लंबे समय तक आपको यूज़ करना होगा, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती दवा को लेने से पहले, और ये धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर जेनेटिक्स होते हैं, अगर हमारे फीमेल में किसी, ये जेनेटिक्स भी होते हैं, अगर आपके घर में किसी के या आपके मम्मी पापा को या दादा दादी नाना नानी को अगर आपको मेलास्मा की प्रॉब्लम है तो ये आप में भी रन कर सकती है। कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती हैं, और प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो डिसबैलेंस की वजह से हमें मेलास्मा देखने को मिलती है। स्ट्रेस की वजह से मिलती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से, थायराइड की वजह से भी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट मिलती है अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, कुछ लीवर में दिक्कत है तो आपको मेलास्मा देखने को मिलते हैं। और अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है जो कि मेलास्मा को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम, अगर आपके मौसम के हिसाब से, अगर आपको ठंड में मेलास्मा की दिक्कत हो रही है, आपके मेलास्मा बढ़ रहे हैं, तब आप आर्सेनिक 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम आप, अगर आपको ठंडी में दिक्कत हो रही है, आपके मेलास्मा बढ़ रहे हैं या मेलास्मा हो गए हैं ठंड में, तब आप आर्सेनिक एल्बम आप 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको ठंड में मेलास्मा की प्रॉब्लम या छाइयों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब आपको आर्सेनिक एल्बम लेना है, वो भी 30 पोटेंसी में, और 5-5 ड्रॉप 3 टाइम आपके टंग पे लेनी है। अगर आप ग्लोब्यूल्स में लेते हैं तो 2-2 गोली 3 टाइम आपको इसको लेनी है। और नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया आपके बहुत अच्छी मेडिसिन होती है मेलास्मा में। ये ज़्यादातर ये बहुत अच्छी मेडिसिन इसलिए होती है कि फीमेल के लिए ये एक रामबाण की तरह होती हैं। अगर जितनी भी फीमेल्स की जितनी दिक्कतें होती हैं उसमें सीपिया काम करती है, और इसमें इसको मेलास्मा के रूप में भी काम करती हैं। मेलास्मा अगर आपके वो दोनों चीक्स पे होते हैं राउंड में, तब आपको ये सीपिया बहुत अच्छी काम करेंगी वहाँ पे। और आपको कैसे यूज़ करनी है, कितनी पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है, वैसे ही 5-5 ड्रॉप 3 टाइम आपको डायरेक्टली एंड टंग लेनी है।
और नेक्स्ट मेडिसिन है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम अगर आपके नोज पर मिलाजमा हो रही है, छाइयाँ हो रही हैं, तो स्पेसिफिक है कि स्पेशली आपके नोज पे हो रही है, तब आप कॉलोफाइलम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में आप इसको यूज़ करें। 5-5 ड्रॉप 3 टाइम डायरेक्टली हैंड टंग लेनी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रीम के बारे में। सबसे अच्छी अगर क्रीम देखी जाए तो सबसे अच्छी क्रीम है ग्लोइंग ब्यूटी क्रीम, जो कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेंगी। ये मिलाजमा के बहुत अच्छी क्रीम बोले जाते हैं भैया, इसके रिस्पांस बहुत अच्छे मिले हैं। तो आप इस क्रीम को यूज़ करके आप मिलाजमा को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा ऑइंटमेंट क्रीम है, जो वो भी मिलाजमा के रूप में बहुत अच्छे काम करती हैं। अगर आपको फ्रिकल्स की भी प्रॉब्लम है तो भी इसमें आपको काम अच्छी कारगर मानी जाएगी। अगर मोल्स भी हैं तब तो भी इसमें माना जाएगा। इसको ज़्यादातर आप रात में यूज़ कर सकते हैं, और जो ग्लोइंग ब्यूटी जो मैंने आपको बताया वो आप नॉर्मल डेली में भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी, और दिन में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। थूजा को नाइट में यूज़ करें। और नेक्स्ट क्रीम की बात करें कि मेल एक्स क्रीम, विजल की आती है, आपको इस फोटो में देखने को मिल जाएंगी। ये जितनी क्रीम है आप इसको जैसे जैसे आपके सिम्टम्स हो रहे हैं ये आप यूज़ करके आप इसके फ़र्क देख सकते हैं। और बस इसमें यह है कि पेशेंस रूल है कि अगर आप ये क्रीम को यूज़ कर सकती हैं तो साथ में इसको मेडिसिन भी लें। अगर आप मेडिसिन ले रही हैं तो आप इस क्रीम का भी यूज़ करें, जिससे कि रिस्पॉन्स अच्छी मिलेंगी और जल्द मिलेंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।